हेलो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस बयांसी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिट ऑफ अ चैप्टर दैट इज़ फ्लूइड स्टैटिक्स. सो ऑल ऑफ यू आई थिंक गॉन थ्रू बयांसी इन स्कूल लेवल. व्हाट इज़ बयांसी? बयांसी इज़ अ फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लूइड ऑन बॉडी व्हेन बॉडी इज इमर्स्ड इन फ्लूइड एंड दैट फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, सो मराठी में त्याला प्लावी बळ म्हणतात, प्लावी. ओके, सो व्हाट ॲक्च्युली बायोन्सी इज, इफ सपोज वॉटर इज देअर, इफ एनी बॉडी इज इमर्स्ड इन वॉटर, देन वॉटर विल एक्झर्ट अपवर्ड फोर्स ऑन दॅट बॉडी. ओके, दॅट अपवर्ड फोर्स इज नथिंग नथिंग बट बायोन्सी फोर्स. ओके, दॅट फेनोमेना इज कॉल्ड बायोन्सी. क्लिअर? और ये बायोन्सी फोर्स की वॅल्यू कितनी आहे, कितनी रहती है? जितना वेट वाटर का डिस्प्लेस होगा बिकॉज ऑफ दिस बॉडी. क्लियर? सो व्हाट इज बायोन्सी? बायोन्सी व्हेन बॉडी इज इमर्स्ड इन फ्लूइड एंड अपवर्ड फोर्स इज एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन बॉडी, दिस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय बॉडी इज कॉल्ड बायोन्सी. मतलब अगर कोई चीज़ हम पानी में इमर्स करते हैं तो वाटर उस बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, उस फोर्स को कहते हैं बायोन्सी और बायोन्सी फोर्स. और वो फोर्स कितना रहेगा? उस बॉडी की वजह से जितना वाटर का वेट डिस्प्लेस होगा उतना. अब वो कैसा, मैं आपको बताता हूँ. ये भी हाइड्रोस्टेटिक लॉ का ही है. सपोज दिस इज वाटर लेवल. सपोज बॉडी इज इमर्स्ड इन वाटर. ये सपोज H1 है और ये H2 है. जो अपर पार्ट है बॉडी का वो सरफेस से H1 डिस्टेंस पर रहेगा और जो लोअर पार्ट है सपोज वो H2 डिस्टेंस पर है. तब अब आपको मालूम है हाइड्रोस्टेटिक फोर्स अप्लाई होगा, तो इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स अप्लाई होगा वो इक्वल एंड अपोजिट, तो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, ऊपर के सरफेस पे हाइड्रोस्टेटिक फोर्स अप्लाई होगा, प्रेशर फोर्स, और नीचे के सरफेस पे इस तरह प्रेशर फोर्स एक्ट होगा. क्लियर? समझ में आ गया? ये अपनी बॉडी, बॉडी के ऊपर ऊपर से हाइड्रोस्टेटिक फोर्स मतलब टोटल प्रेशर अप्लाई हो रहा है, नीचे से भी टोटल प्रेशर अप्लाई हो रहा है. इस डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर फोर्स है तो वो कैंसिल हो जाएगा, ये हम कंसिडर नहीं करेंगे. इनका हाइट अलग अलग होने की वजह से ये उनकी वैल्यू अलग अलग रहेंगी, अपवर्ड फोर्स की और डाउनवर्ड फोर्स की. तो ये फोर्स कितना रहेगा, इसका प्रेशर इंटेंसिटी कितना रहेगी, रो जी एच वन बराबर, और इसकी कितनी रहेगी, रो जी एच टू. क्लियर? तो ऊपर की रो जी एच वन, नीचे की रो जी एच टू. अब डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा रहेगा, ये याद रखो, मैं इसको मिटाने वाला हूँ. तो नेट कितना फोर्स उसके ऊपर रहेगा, ये माइनस ये कितना है, रो जी एच टू, और ऊपर का कितना है, रो जी एच वन. तो ये कितना होगा, रो जी एच टू माइनस एच वन. ऑब्वियसली ये प्रेशर लिया है हमने, तो प्रेशर इंटेंसिटी के लिए हमने इसको एरिया से ये कर दिया. ओके, तो ये कितना होगा, रो जी एच टू माइनस एच वन इंटू डी ए. ओके, तो एच टू माइनस एच वन क्या है, ये एच वन है और ये एच टू है. तो इस बॉडी की जो लेंथ है, दिस इज नथिंग बट एच टू माइनस एच वन. ओके, सो रो जी ये बॉडी की लेंथ और डी एरिया इंटू लेंथ, इसको हम वॉल्यूम कह सकते हैं. ओके, मैं इसको वी लिखता हूँ, वॉल्यूम. तो हमें कितना फोर्स मिला, रो जी वी, ये रो जी एच प्रेशर इंटेंसिटी है, हमें प्रेशर फोर्स निकालना है इसलिए हमने एरिया से मल्टीप्लाई किया, ये बात ध्यान रखो. तो हमें कितना फोर्स मिला, रो जी और ये वॉल्यूम. तो ये वॉल्यूम क्या है, जो बॉडी हमने वाटर में इमर्स की तो उस बॉडी के वॉल्यूम इतना वाटर का वॉल्यूम डिस्प्लेस हो जाएगा बराबर, वाटर वहाँ से हट जाएगा, उस बॉडी को अपनी जगह मिलेगी. तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ दिस बॉडी और वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस बिकॉज ऑफ दिस बॉडी. क्लियर? व्हाट इज दिस वी, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस
बिकॉज ऑफ दिस बॉडी, क्योंकि हम रो वाटर का ले रहे हैं, जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी और वॉल्यूम वाटर का, तो ये क्या हुआ, रोजी भी ये हो गया वेट, बराबर, क्योंकि वेट इक्वल्स टू एम जी, और मास को लिख सकते हैं हम रो इंटू वी इंटू जी, रो वी जी या रो जी वी दोनों एक ही, तो ये क्या हुआ रो जी वी वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, मतलब जितना वेट इस बॉडी की वजह से वाटर का डिस्प्लेस, वाटर का बॉडी का नहीं है, बॉडी का वेट नहीं, ये बात क्लियर कर लो, क्योंकि हम रो वाटर का है यहाँ पर, तो ये बात ध्यान में रख लो कि इस बॉडी की वजह से इतना वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस हो गया, और उतने डिस्प्लेस हुए वॉल्यूम का वेट कितना है रो जी वी, तो उतना बायंसी फोर्स इस बॉडी के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा, समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब वीडियो एक बार फिर से देखो कि बायंसी क्या है, बॉडी इज इमर्स्ड इन फ्लूइड एंड अपवर्ड फोर्स इज एग्जर्टेड, जब बॉडी किसी फ्लूइड में इमर्स होती है तो अपवर्ड फोर्स एग्जर्ट होता है, और वो अपवर्ड फोर्स कितना रहता है, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय बॉडी, उस बॉडी की वजह से जो भी फ्लूइड डिस्प्लेस होगा उसका वेट, क्लियर, सो दिस इज नथिंग बट बायंसी। नाउ सेंटर ऑफ बायंसी द पॉइंट एट विच फोर्स ऑफ बायंसी सपोज टू एक्ट, मतलब जिस पॉइंट पे ये बायंसी फोर्स एक्ट होगा उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ प्रेशर, और जनरली वो कहाँ पर रहता है, जितना वाटर का वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, सपोज जितना वॉल्यूम ये बॉडी हमने टोटली इमर्स कर दी, तो उतना वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस होगा, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा वो रहेगा सेंटर ऑफ प्रेशर, द पॉइंट एट विच बायंसी, सेंटर ऑफ बायंसी, इट इज़ नॉट प्रेशर, सेंटर ऑफ बायंसी, कि यहाँ पर बायंसी फोर्स एक्ट होगा, कहाँ पर, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके, तो इसके ऊपर हम थोड़ा न्यूमेरिकल देखेंगे, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फाइंड, पहला प्रॉब्लम पढ़ता हूँ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस एंड पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ बायंसी फॉर अ वुडन ब्लॉक ऑफ विड्थ 2.5 मीटर एंड डेप्थ 1.5 मीटर, व्हेन इट फ्लोट्स हॉरिजॉन्टली इन वाटर द डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक इज 650 kg पर मीटर क्यूब एंड इट्स लेंथ इज 6 मीटर। ओके, तो क्या दिया है, एक वुडन ब्लॉक है रेक्टेंगुलर जो वाटर में फ्लोट करता है। अब एक बात मतलब ध्यान रखो, बॉडी कब फ्लोट करेगी, एक मिनट, अगर किसी बॉडी को फ्लोट करना है तो वो कब फ्लोट करेंगी, सपोज ये बॉडी है इसको फ्लोट करना है, तो इसके ऊपर जो भी बायंसी फोर्स अप्लाई होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू इस बॉडी का जो भी वेट होगा, इस बॉडी का वेट अगर बायंसी फोर्स ने बैलेंस कर दिया तो वो बॉडी फ्लोट करेगी, मतलब उस बॉडी ने अपने वेट इतना बायंसी फोर्स अगर उस बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा है नीचे से तो वो बॉडी फ्लोट होगी, अगर उस बॉडी के वेट इतना फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है, मतलब जब ये बायंसी फोर्स बॉडी के वेट से कम रहेगा तो वो बॉडी डूब जाएंगी, और समझ में आ रहा है, अगर हमने पत्थर पानी में डाला, ओके, अगर उस पत्थर के ऊपर पानी ने उतना ही बायंसी फोर्स एग्जर्ट किया जितना उस पत्थर का वेट है तो वो पत्थर फ्लोट होगा, ओके, अगर उस वाटर ने उसके बॉडी पत्थर के वेट इतना बायंसी फोर्स अप्लाई नहीं किया तो पत्थर डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा, ओके, तो एक बात ध्यान में रखो, अगर बायंसी फोर्स इक्वल्स टू वेट ऑफ बॉडी है तो वो बॉडी फ्लोट करेगी, मतलब बॉडी को नीचे से उसके वेट इतना फोर्स मिलेगा, बॉडी के वेट इतना फोर्स नीचे से एक्ट होगा तो वो बॉडी सरफेस पे ही रहेगी, अगर उसके वेट इतना बायंसी फोर्स नहीं मिला तो वो बॉडी डूब जाएगी, इस केस में वो बॉडी डूब जाएगी, क्लियर, अगर बायंसी फोर्स वेट जितना है या वेट से ज़्यादा है तो वो बॉडी फ्लोट करेगी, अगर बायंसी फोर्स बॉडी के वेट से कम है तो बॉडी डूब जाएगी। अब यहाँ पर क्या दिया है कि वुडन ब्लॉक फ्लोट कर रहा है, मतलब वुडन ब्लॉक के वेट जितना वाटर डिस्प्लेस हो गया है, मतलब उतना बायंसी फोर्स उसके ऊपर एक्ट हो रहा है, ओके, अब उसका डायमेंशन भी दिया है, उसकी विड्थ दिया है 2.5, उसकी
डेप्थ दिए 1.5 मीटर, उसकी जो लेंथ इस साइड में ये कितनी है, लेंथ 6 मीटर, लेंथ दिया है 6 मीटर। ओके ऐसी है ओके। अरे फ्लोट कर रहा है मतलब उस वुडन ब्लॉक के वेट जितना बायंसी फोर्स उसके ऊपर एक्ट हो रहा है। तो बायंसी फोर्स कितना रहता है, जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट। मतलब अगर कोई बॉडी फ्लोट हो रही है तो हम क्या कह सकते हैं, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस मतलब उतना ही बायंसी फोर्स एक्ट होगा। बायंसी फोर्स की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, जितना वाटर का वेट डिस्प्लेस हुआ उतनी बायंसी फोर्स की वैल्यू रहेगी। सो हम कह सकते हैं वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इक्वल्स टू वेट ऑफ वुडन ब्लॉक। ये क्यों कह सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में दिया है कि वो फ्लोट हो रहा है। ओके अब वेट ऑफ वुडन ब्लॉक कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला रो जी वी, रो ऑफ वुडन ब्लॉक इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक। रो दिया है 650, जी की वैल्यू 9.81 इंटू, अब ये तो रेक्टेंगुलर 2.5 इंटू 1.5 इंटू 6 ये उसका वॉल्यूम। तो इतना बॉडी का वेट है और इतना ही बायंसी फोर्स अगर अप्लाई होगा तो नीचे से तो वो बॉडी फ्लोट करेगी। ओके तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, तो रो डब्ल्यू जी इंटू वॉल्यूम डब्ल्यू, जिसे क्या कह सकते हैं हम, रो ऑफ वाटर जी इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। वी डब्ल्यू मीन्स क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। ओके तो इसमें से हम निकाल सकते कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, रो ऑफ वाटर 1000 रहेगा। ओके तो ये देखो रो और जी इधर आ गया 9.81000 और वॉल्यूम ऑफ वाटर की वैल्यू हमें इतनी मिली। अब वो देखो ये फ्लोट कर रहा है लेकिन ऐसा दिया नहीं है कि ये मतलब पूरा का पूरा ब्लॉक नीचे नहीं जाएगा। ओके तो हम ऐसा इसको जो भी पानी के नीचे का पार्ट है उस ब्लॉक का उसे हम एच कहेंगे। ओके अब लॉजिकल है, जितना पार्ट पानी के अंदर है, इस बॉडी का जितना भी पार्ट पानी के अंदर है उतना वॉल्यूम ही वाटर का डिस्प्लेस होगा, बराबर है ना। अब मैं जो हाईलाइट करते हूँ उसे देखो, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक इसका इसका जो वॉल्यूम है उतना ही वाटर का वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, बराबर। ऊपर का पार्ट तो हवा में, तो वो हवा को डिस्प्लेस करेगा, वो पानी में नहीं है। जितना पार्ट पानी में है उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। ओके तो इसको अगर मैंने एच कहा तो ये है 2.5 और इधर है 6 मीटर, तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, एच इंटू 2.5 इंटू 6। ओके देखो 2.5 इंटू 6 इंटू एच इक्वल्स टू 14.625 मीटर क्यूब, तो ये चाहे 0.975 मीटर। तो ये पानी के अंदर कितना है ब्लॉक, 0.97 मीटर, बाकी का पार्ट ऊपर है। ओके और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा वहाँ पर वो बायंसी फोर्स एक्ट होगा। तो ये कितना है 975, मतलब इसका सेंटर पॉइंट, तो ये h बाय टू लेवल से तो कितना आएगा वो 0.4875 मीटर। क्लियर, दो चीज़ें भूलना नहीं कि वाटर सॉरी बॉडी अगर वाटर में इमर्स्ड है तो बॉडी जितना वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस करेगी उस डिस्प्लेस हुए वाटर का जो वेट रहेगा वो रहता है अपवर्ड बायंसी फोर्स जो उस बॉडी पे एक्ट होगा। अगर वो अपवर्ड बायंसी फोर्स उस बॉडी के वेट जितना है तो वो बॉडी फ्लोट करेगी, या उससे ज़्यादा है तो भी फ्लोट करेगी। मतलब बायंसी फोर्स की वैल्यू वेट से अगर ज़्यादा है या वेट जितनी है तो वो बॉडी फ्लोट करेगी, लेकिन बायंसी फोर्स अगर उस बॉडी के वेट से कम है तो वो बॉडी डूब जाएगी। और दूसरी बात, वो बॉडी कितना वाटर डिस्प्लेस करेगी, जितना वो बॉडी पानी के अंदर है, अगर वो कम्प्लीटली पानी के अंदर है तो उसके वॉल्यूम जितना वाटर का वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करेगी। ओके अगर वो तैर रही है बलून जैसे, तो बलून का जितना भी पार्ट उस पानी में उतना ही वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस होगा, पूरे बलून के वॉल्यूम जितना पानी डिस्प्लेस नहीं होगा। बलून का जितना पार्ट पानी में है उस पार्ट का जितना वॉल्यूम है उतना ही वाटर का वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। अगर वो डिस्प्लेस हुए वाले वाटर का वेट अगर उस पूरे बलून या उस बॉडी के जितना है तो वो बॉडी फ्लोट करेगी, नहीं तो डूब जाएगी। इसीलिए जनरली स्टोन या पत्थर है वो पानी में डूबते हैं, क्योंकि वो उतना वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस नहीं कर पाते जितना उनके वेट ऑफ वेट को बैलेंस कर सके।
ओके अगर ज़्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस किया उस बॉडी ने तो वो आराम से पानी के ऊपर फ्लोट कर सकती है। अब दूसरा न्यूमेरिकल हम देखेंगे, अ स्टोन वेज 392.4 न्यूटन इन एयर एंड 196.2 न्यूटन इन वाटर, कंप्यूट वॉल्यूम ऑफ स्टोन एंड इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो बहुत सिंपल है, एक स्टोन है जो हमने अभी एयर में पकड़ा है उसकी वेट कितना है 392.4, ओके और वो स्टोन का अगर हमने वाटर में इमर्स कर दिया तो उसका वेट हो रहा है 96.2। कम क्यों हो रहा है? क्योंकि नीचे से उसको बायंसी फोर्स अप्लाई हो रहा, ओके क्लियर। मतलब बायंसी फोर्स क्या है? वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस प्लस 196.2 इक्वल्स टू 392.6। इसका जो वेट है 390 वो पानी में 196 ही मेजर कर रहा है क्योंकि इसके नीचे से इतना वेट लग रहा है, बायंसी फोर्स उसके ऊपर एक्ट हो रहा है, बराबर। तो कितना बायंसी फोर्स एक्ट होगा? वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इक्वल्स टू वेट ऑफ स्टोन इन एयर माइनस वेट ऑफ स्टोन इन वाटर। तो 392.4 माइनस 196.2 इक्वल्स टू कितना वाटर का वेट डिस्प्लेस हो गया? 196.2। मतलब नीचे से 196.2 फोर्स लग रहा है और फिर भी उसका वेट 196.2 है, मतलब उसका पूरा वेट कितना होगा? ए प्लस ए 392.4। समझ में आ गया? वाटर में उसका वेट इतना क्यों हो रहा है? क्योंकि नीचे से उसको वाटर लिफ्ट कर रहा है और कितना फोर्स लगा रहा है उस लिफ्ट करने के लिए? इतना। अब उसका वॉल्यूम आराम से निकाल सकते हैं, उसने इतना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर दिया है तो उसने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर दिया है वाटर का? रो जी वी इक्वल्स टू उसका वेट इतना है, तो हम वी आराम से निकाल सकते हैं। वेट ऑफ वाटर मिला 196.2, इसको हम लिख सकते हैं रो वाटर जी वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इक्वल्स टू 196.2। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना रहेगा? वो पूरा का पूरा स्टोन पानी में, तो वो अपने वॉल्यूम इतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा। अगर वो पूरे का पूरा पानी में तो उसने उसका जो वॉल्यूम पानी के अंदर है उतने वॉल्यूम वाटर वहाँ से डिस्प्लेस हो गया है। मतलब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना रहेगा? वॉल्यूम ऑफ स्टोन, क्योंकि वो कम्प्लीटली पानी के नीचे। तो ये अगर हमने कैलकुलेट किया तो हमें मिलेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, और ये यहाँ से हम उसकी वेट डेंसिटी भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें उसका वेट मालूम है, उसका वॉल्यूम मालूम है, तो हम उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? बहुत सिंपल था, फिर भी मैं थोड़ा रिवाइज करूँगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि बायंसी क्या है? व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन फ्लूइड, फ्लूइड एग्जर्ट अपवर्ड फोर्स ऑन दैट बॉडी, दैट अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बायंसी फोर्स एंड विच इज इक्वल टू वेट ऑफ वॉल्यूम सॉरी वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। जितना भी फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उसका उतना वेट इज नथिंग बट बायंसी फोर्स। मतलब अगर किसी चीज़ को वाटर के ऊपर फ्लोट होना है तो उस चीज़ को उतना उसके वेट जितना वाटर डिस्प्लेस करना होगा ताकि उसका वेट और जो नीचे बायंसी फोर्स मिलने वाला है वाटर से वो दोनों सेम हो जाए और वो फ्लोट करे, बराबर। किसी चीज़ को अगर फ्लोट करना है तो उसे अपने वेट जितना वाटर डिस्प्लेस करना होगा या अपने वेट से ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस करना होगा तभी वो फ्लोट कर पाएगा। अगर वो अपने वेट जितना वाटर डिस्प्लेस नहीं कर पाया तो वो उसको नीचे से उतना बायंसी फोर्स नहीं मिलेगा और वो सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा, ओके। और दूसरी चीज़ कि ये जो बायंसी फोर्स एक्ट होता है उस पॉइंट को सेंटर ऑफ बायंसी कहते हैं, बाय मिस्टेक हो गए, सेंटर ऑफ बायंसी। और दूसरी चीज़ ध्यान में रखने वाली क्या है? अगर कोई बॉडी ऐसे फ्लोट कर रही है तो जितना पार्ट पानी के अंदर है उतने उतना वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस होगा, मतलब उतने बॉडी के वॉल्यूम जितना वाटर डिस्प्लेस होगा। अगर पूरी की पूरी बॉडी वाटर में है तो वो पूरे के पूरे बॉडी के वॉल्यूम जितना वाटर का वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, ये चीज़ें ध्यान में रखो, ओके। अगर कोई चीज़ फ्लोट हो रही है तो जितना पार्ट पानी के नीचे उतने पार्ट का वॉल्यूम जितना वाटर का वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। अगर वो पूरी की पूरी चीज़ पानी के अंदर है तो उस पूरे के पूरे बॉडी के वॉल्यूम जितना
वाटर का वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। अब ये जो भी वाटर का वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा है उसका आप वेट निकालेंगे तो वो आपको मिलेगा वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। ठीक है, कल हम देखेंगे मेटा सेंटर। थैंक यू।